पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव का रुख क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पप्पू यादव ने न्यूज 18 से बात करते हुए बड़ा इशारा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान बिहार में उन्हें नेतृत्व का मौका देता है तो पूरी ताकत से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका दूसरा लक्ष्य कोसी और सीमांचल का विकास है। अगर इसके लिए पीएम मोदी की मदद की जरूरत होगी तो वो लेंगे। पप्पू यादव के इस इशारे में कई सियासी संदेश छिपे हैं। पप्पू यादव से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय चुनाव जीते हुए पूर्णिया से पप्पू यादव। पप्पू जी, इस बार जो आंकड़े आए हैं पूरे देश में एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन तमाम, लेकिन इसमें निर्दलीय सांसदों की भूमिका काफी बढ़ गई है, पप्पू यादव की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि पप्पू यादव वो सांसद थे जिनके कभी एक वोट से केंद्र में एनडीए की सरकार गिर गई थी। देखिए, एक बात समझिए, मेरी भूमिका साफ है, सेवा और मदद, जस्टिस। मेरा पर्सनल रिलेशन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से बेहतर किसी से नहीं हो सकता। मेरा राजनीतिक कैरियर देखने की जिम्मेदारी प्रियंका जी और राहुल गांधी को। तो वो क्या मतलब क्या भूमिका चाहते हैं आप कांग्रेस से? मेरा लक्ष्य है बिहार, बिहार के अलावे कुछ भी नहीं। तो बिहार में आप अपनी भूमिका क्या चाहते हैं? अगर मेरा दूसरा लक्ष्य है सीधा कोसी सीमांचल को डेवलपमेंट में नंबर वन करना। दोनों बातें एक साथ कैसे होते हैं? अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी, बिहार में आप पीएम हमारे भी तो हैं, तो निर्दलीय होगा तो हमको देंगे निश्चित रूप से। तो पीएम का दिल बड़ा होगा तो आपको देंगे। तो क्या अगर ऐसी बातें होती हैं, अगर पप्पू यादव कुछ ऑफर होते हैं तो क्या पप्पू यादव का क्या ऑफर? हमको 60% छूट वाला माल है कि मेरी प्राथमिकता होगी कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस की सरकार बिहार में बनाना, यदि हम पर ट्रस्ट किया गया तो। नहीं ट्रस्ट होगा तो हम उनके भरोसे को पीछे नहीं करेंगे, लेकिन सीमांचल और पूर्णिया के लिए किसी भी कीमत पर पीएम का सहयोग लेंगे। बिहार में बागडोर आप चाहते हैं? बिहार में यदि हम पर ट्रस्ट किया गया, जिम्मेदारी दी गई या हमें कहीं समझा गया तो मैं कांग्रेस को नंबर वन करूंगा। और अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है तो निश्चित रूप से मैं सिर्फ फोकस करूंगा काम पर, विकास पर, और उसमें जिनका सहयोग लेना पड़ेगा मैं लूंगा। तो ये थे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया है और इस जवाब में कई सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पप्पू यादव का रुख क्या रहता है और पप्पू यादव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन का रुख क्या रहता है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से श्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई।